Hi Librans, this is your reading for the month of May, but also the solar eclipse and lunar eclipse, जो ग्रहण अभी होके चुका है और 4 तारीख को जो होने वाला है, उसके साथ आपकी जिंदगी में कोई एक कहानी है जो खत्म हुई है और एक नया हिस्सा आपकी जिंदगी का शुरुआत होने वाली है। तो जिंदगी की कहानी ये खत्म हुई है कि जहां आपने इन्वेस्टमेंट की थी गलत की, वहां आपका नुकसान हुआ, पैसों का नुकसान हुआ, आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। अब शुरू क्या होने वाला है कि आपकी जिंदगी इस वजह से बदलने वाली है। अब आई होप के गलत जगह, खास करके अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की थी तो आपको अकल आ गई होगी, और जिंदगी में एक बहुत बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक तरह से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, और क्योंकि तुला राशि जो है उसके सामने ही मेष राशि है, और ये ग्रहण जो हुआ ये मेष राशि में हुआ, और 4 तारीख को जो होगा वो तुला राशि में होगा, तो कई बार हो जाती है ऐसी गलतियां। तो इस वक्त आप ये आने वाले 6 महीनों में इस दौर से गुजरेंगे जहां कोई कुछ कह के देखे आपने खा जाना है उसे। जीतना आपको अपनी आदत बनाना है, ऐसा आप सोचोगे कि जितना हारना था जिंदगी में अब हार लिया, अब मैं जीतूंगा और हर हाल में जीतूंगा और हर तरह से जीतूंगा, और इसके लिए साम दाम दंड भेद आपको जो करना पड़ा आप करोगे और जीतोगे। और उस वजह से आपकी, जब आप मेहनत करोगे, जब आप सोच को सही करोगे, जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपके सपने आप खुद अपने हाथों से पूरे भी करोगे। अब देखते हैं कि मई के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। वो तो थी अप्रैल से लेके अक्टूबर तक की बात, 6 महीने बाद दोबारा ग्रहण होगा, तब तक ऐसा होगा। अब मई के महीने में क्या होगा? मई के महीने में, मई के महीने में आपकी किसी से, ओ वाओ ओके, किसी से मुलाकात होगी। आपके सपने जो आप पूरा करना चाह रहे हैं वो हो सकते हैं, हो सकता है आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु भी हो, आपके, हो सकता है आपके बॉस की मृत्यु हो जाए, सॉरी, हो सकती है, और आपकी, आपको अपने इंट्यूशन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किताबी कीड़ा मत बनो, थोड़ा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करो, मेडिटेशन करो, और आप, जैसा कि मैंने कहा कि यू विल बी इन योर एलिमेंट्स टू विन द वर्ल्ड, यू विल विन इट, यू विल रूल इट, सो आपकी जीत होगी। आप अपना राज्य स्थापित करेंगे। कई बार होता है कि जब राजा चला जाता है तो राजकुमार को राज्य मिलता है। अब ये घर में होता है या ऑफिस में होता है ये तो कहना मुश्किल है। भगवान करे आपके घर वालों की उम्र बहुत लंबी हो और स्वस्थ रहें। बाकी अगर आप किसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या शिक्षक शुभा को दूर करने के लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो आप मुझे giniyaneja.com के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब हम करेंगे आपकी एंजल कार्ड रीडिंग। आपको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, या हो सकता है कि कोई आपको जायदाद आपके नाम कर दे, या कुछ ऐसा, मतलब एवरीथिंग इज सो अलाइंड, सो ऐसा कुछ अचानक से
हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है बॉस के जाने के बाद आपको प्रमोट कर दिया जाए, तो पैसे तो आ रहे हैं। और अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव मत सोचना। और अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, कुछ करने के बारे में, तो एक चीज पर अड़े मत रहना कि नहीं ये कर लेता हूं, और रास्ते भी हो सकते हैं जो हो सकता है बेहतर हो। अगर आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो बेहतर होगा कि आप रीडिंग ले लें, एक सलाह हो जाएगी और टैरो के द्वारा आपको गाइडेंस भी मिल सकती है। सो दिस वाज फॉर लिब्रा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू वॉच। ग्रहों ग्रहण का असर पूरी दुनिया पर कैसा होगा, उसके बारे में वीडियो करूंगी बहुत जल्द, देखना मत।